सोनू नाम की एक लड़की रहती थी। एक रात उसने बहुत ही भयानक और डरावना सपना देखी। उसने देखी कि वह नींद में उठी और एक जंगल की ओर चल दी, जहाँ की बहुत ही घना कोहरा अंधेरी रात थी। उसने सुनसान जगह पे चले जा रही थी, जहाँ पे ना कोई आदमी दिख रहा था, ना ही कोई जानवर और ना ही कोई गाड़ी। सिर्फ अकेले वो अंधेरी रात में चले जा रही थी, मन में कुछ सोचे हुए। उसको समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं। इस तरह से चलते चलते वह एक जगह बैठ गई और कुछ मन में सोची विचारी कि कहाँ जाएं, क्या करें। फिर आगे वो चल दी। बहुत ही घनी रात थी, सुनसान जगह पे। उसको डर भी लग रहा था, लेकिन मन में कुछ सोचे हुए वो सुनसान रास्ते पे चली जा रही थी। यह सोचते हुए कि कुछ तो होगा, इस तरह से वो एक घने जंगल की ओर चल दी, जहाँ पे बिल्कुल ही घनघोर जंगल, भयानक जंगल, जहाँ पे कि कुछ जानवरों की आवाज़ें आ रही और वो सिर्फ चले जा रही थी। एक जगह वो रुकी और फिर कुछ सोचने लगी, फिर रोना भी आ रहा था, आंसू पोंछी कि क्या करें, कहाँ जाएं, और फिर चल दिया आगे की ओर। इस तरह से वो एक गुफा की ओर चल दी, जहाँ पे कि एक भयानक राक्षस रहता था। सोनू को पता ही नहीं था कि उस सुनसान जगह जहाँ पे कि गुफा है, वहाँ एक राक्षस रहता है। इस तरह से वो गुफा की ओर चल दी। गुफा में पहुँचने के बाद उसने देखी एक भयानक सा राक्षस, जो कि आग जलाए हुए था, वो हंसे जा रहा था। जो ही लड़की पहुंची वहां पे, राक्षस जोर जोर से हंसने लगा और राक्षस बोलने लगा, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, आज की भोजन बहुत दिनों से मिला नहीं। बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझे, मुझे मत खाओ, मुझे जाने दो। इतने में लड़की की नींद खुली, वहां पे देखी वहां पे कोई भी नहीं है,